हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डोरमेट सिर्फ फ्रेंड्स एक फंदे से शुरू होता है और एक ही फंदे पे ख़त्म होता है। तो इसको मैंने पुरानी साड़ी से बनाया हुआ है। आप पुरानी साड़ी दुपट्टे के छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े बच जाते हैं उससे आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत मैंने यहाँ पर पिंक कलर से बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो कोई सा भी कलर, इसको आप कलरफुल भी एक एक लाइन की बना सकते हैं। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। आप लोगों को मैंने कम्युनिटी टैब पे डाला था कि मैं आप लोग को इस सीज़न में क्या बताऊं, तो उसमें मुझे कई सारे कमेंट्स आए हैं कि डोरमेट बताइए आप। तो मैं आज डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 नंबर की ये सलाई ली हुई है। मोटी वाली सलाई आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी। और इसको देखिए मैंने छोटी वाली ली है। छोटी वाली काफ़ी कंफर्टेबल होता है नीटिंग करने में, बुनाई करने में। आप चाहें तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं अगर साड़ी का आप लोग बना रहे हैं। ये वाले से फ्रेंड्स हम मोटी ऊन का भी बना सकते हैं। जैसे आप लोग को कंफर्टेबल हो बुनाई करने में, आप बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को एक फंदे से शुरू करना है। तो जैसे हम मैजिक लूप लेते हैं, देखिए मैंने क्रोशिया से कई बार आप लोग को बताया है कि मैजिक लूप मीन्स फ्रेंड्स आपने फिंगर पे ऐसे ले गए और देखिए फिंगर पे ऐसे डाला और इसके बीच से हम ये वाले पार्ट को इसके बीच से हम ऐसे को निकाल दिए। ये देखिए ऐसे हमने निकाला तो एक फंदा ये हमारा बन गया। ये देखिए, और आप चाहें तो इसे ऐसे खोलेंगे तो ये खुल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा कि फंदा सही लिया है या नहीं। अगर नहीं खुलेगा तो आपका फंदा वो सही नहीं है। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे ऐसे को डाल लिया। ये एक ही फंदे से शुरू होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक फंदे हमने ऐसे डाल लिया। अब देखिए इसको हम साइड में करके फिर आप लोग को बताते हैं। एक फंदे हमने यहाँ पर डाला, पहले ही रो से ये हमारे फंदे बढ़ना शुरू होगा पहले ही सिलाई से। तो इसको देखिए हम ऐसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे सिलाई के ऊपर से हम ये साड़ी के धागे को ऐसे ले जाके फिर इसको हम बुनेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 2 फंदे हो गया। फिर हम इस सिलाई को पलटेंगे, इस साइड आएंगे, देखिए फिर हम इसको देखिए सिलाई के ऊपर से ले गए और यहाँ पे हमारा एक फंदा फिर बढ़ गया। अब यहाँ पे हमारे टोटल 3 फंदे हो गए। एक फंदे का हमारा यहाँ पे 3 फंदा एक्स्ट्रा जो धागा है उसको आप निकालते चलिए, तब फिनिशिंग अच्छी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। अब फिर ऐसे ही सिर्फ आपने ये दोनों साइड से हम गार्टर स्टिच यानी उल्टा उल्टा बुनाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम फिर से ऐसे बीनेंगे। ये देखिए तो ये हमारी तिकोनी सी बनती हुई जाएगी जैसे काइट की तरह। यहाँ से एक फंदे से शुरू होके आप ये अपने ऊपर फ्रेंड्स बना सकते हैं। सॉरी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा बना सकते हैं। आप इसे 100-150 तक, जब 150-200 तक फंदे हो जाएं या 100 फंदे हो जाएं फिर उसके बाद आप इसे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखिए फिर सिलाई को पलटेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर सिलाई को पलटने के बाद यहाँ पे आ गए, फिर हम यहाँ पे फंदे को ऐसे बढ़ाएंगे। ये देखिए बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा भी लगता है जब आप लोग इसकी बुनाई करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जल्दी जल्दी फंदे बढ़ते हैं और फिर जब फंदे बढ़ते हैं तो बुनाई करने में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब हमारे ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो ऐसे ही साइड साइड से एक एक फंदे हम कम करते हुए तो ये हमारा ट्राइंगल शेप का डोरमेट बन जाएगा। ये देखिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइड साइड से हमने दोनों साइड से उल्टे और सीधे साइड से फंदे को हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक फंदे से 1 2 3 4 5 6 7 एक फंदे से हमने शुरू किया, 7 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब देखिए इस पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए
हमने भी यहाँ पे भी देखी, मैंने एक फंदे से शुरू करते हुए काफ़ी फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको सिर्फ ऐसे ही इतना, मतलब जितने अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई रख के फिर आप इसको सारे फंदे को बंद कर सकते हैं। तो एक डिजाइन आपका डोरमेट ऐसे हो गया आप चाहें तो। और एक डिज़ाइन और है फ्रेंड्स, उसको मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट में बताऊँगी, यानी सेकेंड वीडियो जब बनाऊँगी इसके ऊपर। अभी मुझे 2-3 इंच और बढ़ाने हैं, उसके बाद मैं फंदे को देखिए यहाँ से साइड साइड से एक एक फंदे कम होते हुए, जैसे साइड साइड से एक एक फंदे कम होंगे तो इसी शेप में ये आ जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत वो डोरमेट बनेगा। तो पहले आप लोग इतना बना ले फ्रेंड्स, जितना भी आपने फंदा रखना है। यहाँ पे देखिए एक फंदे से शुरू करके काफ़ी फंदा हमारा बढ़ गया है, समथिंग यहाँ पे 100 फंदे हो गए होंगे। तो अभी मैंने 10 से 15 फंदे और बढ़ाने हैं ताकि ये थोड़ी बड़ी बने। कोई भी प्रोजेक्ट हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे यानी मीडियम साइज़ का, तो वो सही रहेगा फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ से शुरू होते हुए, देखिए एक फंदे से शुरू होते हुए तो ये कितना बड़ा। तो थोड़ा सा अभी मुझे 1 या 2 इंच और बढ़ाना है, उसके बाद मैं ये घटाना शुरू करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताऊँगी, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू।